जैसा कि आपने कमेंट करके कहा था कि डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर हम वीडियो बनाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डिजिट हेल्थ प्लस प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम आई फील गुड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट है। और बेसिकली डिजिट इंश्योरेंस कंपनी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहुत कम समय में तेजी से लोगों की नजर में आ रही है। जानना चाहते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करना। मेरा नाम है अमित राज शर्मा, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। तो सबसे पहले जल्दी से हम एक नजर डालते हैं कंपनी के बैकग्राउंड पे, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 2016 के अंदर श्रीमान कोमल गोयल जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने अप्लाई किया IRDA में कि इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं एज ए जनरल इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको 2017 के अंदर इनको IRDA ने अप्रूव कर दिया। IRDA ने अप्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली बात है असेट्स इनके पास होगी और अनुभव इनके पास ऑलरेडी था ही, क्योंकि अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही ऑलरेडी वर्क कर चुके थे काफी लंबे समय के लिए और अच्छी खासी पोजीशन के साथ में। तो अनुभव भी था इनके पास, अपना असेट्स भी था, इन्होंने अप्लाई किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इनको अप्रूव मिल गया। अब अप्रूवल मिलने के बाद इनको जरूरत पड़ी फंडिंग की, जिसके लिए इन्होंने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग एक कंपनी है जो कि इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी में डील करती है, जो कि टोरंटो बेस्ड है, जिसके CEO या फाउंडर या की पर्सन जिनका नाम है श्रीमान प्रेम वत्स जी, उनके पास ये गए 2017 में, उनसे इनको फंडिंग मिली 49 मिलियंस की, देन 2018 में 45 मिलियंस का इनको फंडिंग मिला। इस तरीके से इनको फंडिंग मिला स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब एक्सपेंड करने के लिए। अब डायरेक्टली चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप इस कंपनी के ऊपर केस स्टडी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके लिए हम पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने से पहले कंपनी के कुछ नेटवर्क पे हम नजर डाल लेते हैं जो कि हमें चाहिए होता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के लिए जो इनका नेटवर्क है वह 6400 हॉस्पिटल के साथ में ऑल ओवर द इंडिया। इनका जो ICR है वो 60% के आसपास, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, राइट। और जो इनका क्लेम रेशियो है वो 93% से थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये होगी परफॉर्मेंस और नेटवर्क की बात। अब जो प्रोडक्ट हमने चूज किया उस प्रोडक्ट का नेम है द डिजिट हेल्थ प्लस पॉलिसी। इसी पॉलिसी को आई फील गुड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दो वेरिएंट है, पहले वेरिएंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंफर्ट वेरिएंट की बात करूंगा, क्योंकि दूसरे वेरिएंट पर जाएंगे तो इसकी इन कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, सब सेम हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हम कंफर्ट जो इनका वेरिएंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें एज एंट्री की, तो 1 ईयर से लेकर 60 ईयर के लोग इनके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसी के साथ में 1 लाख से लेकर 25 लाख का शमशोड आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और यकीन मानिए जो 1 लाख से लेकर के 25 लाख का जो शमशोड है वो इनफ है, इससे ज्यादा कवर की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के रूप में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। फैमिली फ्लोटर के रूप में अगर आप लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 लाख का कवर ले लिया, राइट, जो पॉलिसी लिए 10 लाख की ली है, तो ऐसे में जो फैमिली में जो कवर मिलेगा, अगर मान लीजिए 4 मेंबर है तो चारों को 10-10 लाख रुपीज का ही कवर देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ में मान लीजिए अगर 10 लाख का जो सम अश्योर्ड आपने चूज किया है वो दुर्भाग्यवश यूज हो गया, उसका क्लेम हो गया, तो ऐसे में रिफिल भी मिलेगा दोबारा से, कोई चार्जेस पे नहीं करना, सेम उसी तरीके से जैसे पॉलिसी होनी चाहिए थी, ओके। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे डे केयर ट्रीटमेंट की, अंडर द कवर मिलते हैं, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आपको अंडर द कवर यहाँ पे मिल जाता है, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन अंडर द कवर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इसी के साथ में जो एम्बुलेंस का जो एक्सपेंसेस है वो आपके समय शॉर्ट का 1% तक आपको अंडर द कवर मिलता है। यही नहीं, इसी के साथ आपको क्लेम हो या ना हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो हेल्थ चेकअप होते हैं उसके लिए पैसा कंपनी देती है, जो कि आपके समर शॉर्ट का 0.25% से लेके 5000 रुपीज तक आपको मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता क्लेम हो या नहीं हो। इसी के साथ आपको नो क्लेम बोनस भी देखने के लिए मिलेगा जो 20% से लेकर के 100% तक होगा। इसी के साथ इस प्लान के अंदर हमें बारियाट्रिक सर्जरी अंडर द कवर देखने के लिए मिलती है, जिसपे 48 मंथ का लॉकिंग पीरियड है,
लेकिन एक और टर्म है यहाँ पे कि जिसके सर्जरी हो उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और भी जो टर्म्स है वो आपकी स्क्रीन पे, इनको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और जो मेटर्निटी एक्सपेंसेस की बात करें, आप एड ऑन के रूप में ले सकते हो, जिसमें आपका न्यू बॉर्न बेबी भी कवर आ जाएगा, दो डिलीवरी अंडर द कवर आएंगी, और उसी के साथ में 24 मंथ का लॉकिंग पीरियड है। जो आपका समर शॉर्ट है उसका 10% ही आपको आपके मेटर्निटी एक्सपेंसेस के रूप में मिलेगा, राइट, या मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक देखने के लिए आपको ये मिल सकता है। इसी के साथ आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। अब ये जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, बेसिकली उसको आप समझ लीजिए, जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो नॉर्मल हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसी तरीके से ये जो कंपनियां काउंट करेगी 24 घंटे जो हो जाएंगे तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद में अगर आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, अगले मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया 7 दिन के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 2000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बता रहा हूं कंपनी आपको पे करेगी। अब ये जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बोला जा रहा है, अगर मैं इसको बोलूं कि अलाउंसेस एक्सपेंसेस, तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एक दिन से ज्यादा जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली बातें होते ही हैं, हमारे साथ कोई रहता है, हमारी देखभाल करता है, तो उसको वे ऑफ करने के लिए 2000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। और एक पॉलिसी ईयर में 30 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी हाल में इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपको इस प्लान के अंदर ओपीडी भी अंडर द कवर मिलती है। साल में एक बार आप ओपीडी का क्लेम ले सकते हो, जो कि 2500 रुपए मिलेगा, आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर या कैंसर कवर अगर आप एड ऑन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, राइट। क्रिटिकल इलनेस राइडर किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसे जाकर के आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एयर एम्बुलेंस अगर आप अंडर द कवर चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, आपको एड ऑन लेना पड़ेगा। और देखिए इसी के साथ आपको रूम पे कोई कैपिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, चाहे वो नॉर्मल रूम हो चाहे वो आईसीयू में आप एडमिट हो, तो आपको रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसी के साथ में अगर किसी को 48 मंथ हो गए इस पॉलिसी के अंदर रहते हुए और वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर चाहता है, तो वो भी अंडर द कवर इस पॉलिसी के अंदर उसको देखने के लिए मिलेगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, साइकोमेट्रिक जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर आपको अंडर द कवर मिलता है आपके समर शॉर्ट का अप टू 20% या 1 लाख रुपीज तक मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक चीज क्लियरली बताता हूँ, जब ये अंडर द कवर आता है तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही किसी को अगर है तो वो ये पॉलिसी ले ले तो उसका अंडर द कवर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 मंथ का लॉकिंग पीरियड है, वो इस प्रोडक्ट में भी है, दूसरी कंपनी में भी है और यहां पर भी है। दूसरी कंपनी में भी प्री जो स्पेसिफाइड इलनेस होती है उसके लिए 2 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, सेम चीज यहां पर भी है। तो साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, आपके समर शॉर्ट का 20% तक आपको अंडर द कवर मिलेगा। अब ये इस वजह से भी है क्योंकि कोई लोग बिल्कुल स्वस्थ है पॉलिसी लेते वक्त, लेकिन पॉलिसी लेने के मान लीजिए 6 महीने बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये पॉलिसी उसकी हेल्प करेगी, बशर्ते जो जो एक्सपर्ट हैं जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इलाज कर रहे हैं वो लिख के दें, राइट, और वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो या जो भी इनकी काउंसलिंग होती है वहां से अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे ही होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आप ट्रीटमेंट ले रहे हो जो ऐसी एक्सपीरियंस के बेस पे चला रहा है, या आपकी गली में कोई ऐसी बैठा हुआ है कहीं पे कंपाउंडर था या कुछ था और एकदम से अपना खोल क्लिनिक खोल के बैठा आप वहां पे ट्रीटमेंट कर, वो सब नहीं, एक जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो अंडर द कवर आता है और आपको मिलेगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी मैंने किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर हाल फिलहाल में जितनी मैंने वीडियो बनाई है पास में उनके अंदर ये चीज मैंने नहीं देखी थी, जो कि इसके अंदर ये एडिशनल एक चीज है। इसी के साथ ही ओपीडी जो एक्सपेंसिस है अंडर द कवर है, 2500 रुपए तक साल में एक बार ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक और टर्म्स भी इसमें यहाँ पे ऐड है कि फर्स्ट टाइम अगर आप ओपीडी में जाते हो तो जो भी ओवरऑल खर्चा है उसका 25% तो आप पे करोगे, राइट, रेस्ट ये कंपनी आपको दे देगी। और उसी के साथ में अगर सेकंड ईयर में चले जाओगे तो 10% आप पे करोगे, देन कंपनी पे करेगी। ये सिर्फ ओपीडी पे ही है, बाकी इसमें कोई कोपेमेंट किसी तरीके का हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनके काफी अच्छे प्रोडक्ट है बट कोपेमेंट वहां पे
इंक्लूड है, बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम क्लेम के लिए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से क्लेम कर सकते हो, सारा डिजिटली है, कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट स्कैन करो, इनको मेल करो, डायरेक्टली इनके कस्टमर केयर पे बात करो, आपका क्लेम जो है इनिशिएट ले लिया जाता है, उस पर एक्शन हो जाता है, अंडर द प्रोसीजर उसको कर दिया जाता है, वरना हमें हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती है हर जगह, राइट। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, डेंटल ट्रीटमेंट भी अंडर द कवर आता है। अब देखिए, जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी आपके दांत में प्रॉब्लम है वो अंडर द कवर है। एक्सीडेंटल जो डेंटल कवर है वो अंडर द कवर आपको देखने के लिए इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा, और वो एक जरूरी भी होता है, क्योंकि एक्सीडेंट में जबड़े में चोट लग सकती है बहुत ही आसानी के साथ में, राइट। क्योंकि आजकल लोग बाइक पर चलते हैं, हेलमेट लगाना शान के खिलाफ समझते हैं, तो जबड़ा ऐसे में टूट ही जाता है। तो ऐसे में ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी माइट भी हो सकता है दयावान और आपके ऊपर पे कर दे। वैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जोक्स अपार्ट, बट इन्होंने साफ लिखा है कि एक्सीडेंटल अगर डेंटल ट्रीटमेंट होगा तो वो अंडर द कवर होगा। इसी के साथ मान लीजिए किसी का डायग्नोसिस होता है और उसको पता चलता है कि कोई उसको क्रिटिकल इलनेस हो गई है। अब कौन सी क्रिटिकल इलनेस, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, राइट, इसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से कुछ भी अगर हो गया है तो उसके बेस पे क्या होगा कि कंपनी एक सेकंड ओपिनियन का चांसेस देगी, अपनी तरफ से उसका खर्चा उठाएगी कि आप किसी और एक्सपर्ट को दिखा लो, दोबारा से चेक करा लो, उसका कंपनी आपको खर्चा देगी। तो ये सेकंड ओपिनियन भी अंडर द कवर आ गया। और उसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आयुष ट्रीटमेंट आपको मिले तो वो भी आप ले सकते हो, जो यूनानी वैद्य होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है ये सब। तो बेसिकली जो मोटे मोटे जो सारे बेनिफिट हमें हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर चाहिए तो वो यहाँ पे हमें अवेलेबल है। और जो इसका रिफिल जो सिस्टम है ना, टू टाइम, वो बड़ा गजब का लगा। जो फैमिली फ्लोटर आप लेते हैं, जैसे ये सेम जो ऑप्शंस है, इसी तरीके से स्टार हेल्थ का एक फैमिली ऑप्टिमा प्लान है, उसके अंदर भी सेम है, लेकिन ये प्रोडक्ट फीचर्स के मामले में फिर भी उससे थोड़ा सा आगे है, राइट। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन बताइएगा जरूर। और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जो कि पॉलिसी वार्डिंग का है, WRDING पॉलिसी वार्डिंग। उस पे आप जाके लिंक पे क्लिक करो, पॉलिसी वार्डिंग को कंप्लीटली डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी ऐसी छोटी छोटी कुछ ऐसी डिटेल है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो वहां पे जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ना ओवरऑल ये प्रोडक्ट एक प्रॉमिसिंग मुझे लगा, सही मायने में एक कॉम्प्रोहेंसिव प्रोडक्ट ये है। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी किसी कंपनी की एकदम से तारीफ कर देना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इंश्योरेंस फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई कंपनी एकदम से परफॉर्मेंस देते हुए नंबर वन पे आ जाती है और कुछ ही साल में फिर वो कहां खो जाती है पता नहीं चलता। ऐसा कुछ कंपनियों के साथ हो भी चुका है, लेकिन कुछ कंपनी है जो टॉप थ्री में थी शुरू से, राइट, जब से ये लोगों ने 1-2-3 रैंकिंग जो शुरू किया उस टाइम से लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, तब से वो अभी तक भी टॉप 5 में बनी हुई है या टॉप 3 में बनी हुई है। वो कंपनी अपनी खास जगह मार्केट में रखती है। अभी इस कंपनी को और ज्यादा काम करना होगा मार्केट के अंदर, और इनको थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे दूसरों से। अब बात करते हैं कि ये कंपनी कम समय में इतनी ज्यादा लोगों के सामने कैसे आ गई। वो इस वजह से आ गई क्योंकि ये इंटरनेट के यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ये सबसे अग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं और सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो लोग अब प्लांट्स के अंदर जो देखते हैं ना की फीचर्स, ये उनको आगे रख रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मंथली प्रीमियम का भी ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है कि आप मंथली बेस पे प्रीमियम पे कर सकते हो, जो कि ज्यादातर कंपनियां जो है, ज्यादातर क्या सभी इंश्योरेंस कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अभी तक नहीं प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन 2020 में अक्टूबर तक ये सब प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस कंपनी ने अर्ली स्टार्ट कर ली, ये चीज सबसे पहले देना शुरू कर दिया, तो इसका तो बेनिफिट इसको मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर मंथली बेसिस पे प्रीमियम पे करने के लिए सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इस कंपनी के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलता हूं, विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बात और हमेशा ध्यान रखो, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन आप कभी अधूरी नहीं ले सकते। अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।